हाय गाइस, वेलकम टू मोटरबीन। मोटरबीन पर सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे होंडा CB350। जी हाँ, ओनली CB350। इसके पीछे कोई भी हाईनेस लिखा हुआ नहीं दिखेगा, इसके पीछे आपको कोई भी लेगेसी वाला एडिशन लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ओनली CB350 कंपनी ने इसका नाम दिया है। पूरा ही नया लुक के साथ आ चुका है गाड़ी, आप एक बार देख लीजिए। नए कलर, नए ग्राफिक्स के साथ, नए डिजाइन लैंग्वेज के साथ आ चुका है। नए डिजाइन लैंग्वेज आप ना भी बोल सकते हो, क्योंकि गाड़ी के मैक्सिमम चीज आपको हाईनेस के साथ सिमिलर देखने को मिलता है। लेकिन कुछ कुछ चेंजेस है, क्या स्पेसिफिकेशन है और इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस, एक शोरूम प्राइस क्या है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो कलेक्शन कॉमेंट ऑन वीडियो। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे गाड़ी के लुक के बारे में। पहली बात, यहाँ पे आपको नए कलर, नए ग्राफिक्स के साथ गाड़ी दिखाई दे रहा है। दिखने में काफी कूल एंड ब्यूटीफुल लुकिंग के साथ आ रहा है और एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जिसके साथ काफी सिमिलरिटीज भी आपको देखने को मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखना वो ब्रांड कौन सा है। आप सभी लोग जानते हो वो ब्रांड बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे डिजाइन लैंग्वेज देखेंगे तो जो आपको CB350 हाईनेस या फिर RS के डिजाइन लैंग्वेज है, वही वाला सेम डिजाइन लैंग्वेज है, कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस कुछ कुछ जगह पे आपको देखने को मिलता है और वो चेंजेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखेंगे सामने की तरफ टेलीस्कोपिक तो आता है, लेकिन यहाँ पे मेटल का शील्ड यूज किया जा रहा है। यहाँ पे फोक गेटर्स पहले ऑफर किया जाता था, अभी वो फोक गेटर्स इस गाड़ी के साथ नहीं देखने को मिलेगा। एक मेटल का शील्ड कवर में दिया जाता है जो धूल मिट्टी के हाथ से सामने के सस्पेंशन को काफी प्रोटेक्ट करने वाला है। पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सीट स्प्लिट सीटिंग ऑप्शन के साथ आ रहा है और पूरा ही ब्लैक कलर के साथ आएगा और इसके साथ ना आपको पूरा ही लेदर का टच देखने को मिलता है। दिखने में काफी बढ़िया है एंड प्रैक्टिकलिटी भी काफी बढ़िया, काफी चौड़ी सीट आएगा, पीछे की सीट भी काफी ज्यादा लंबी, अच्छा खासा स्पेस के साथ आने वाला है। प्लेन बैठेगा तो उसको दिक्कत वगैरह होगा नहीं एंड हाईनेस के साथ यहाँ पे सिमिलरिटीज आपको मैक्सिमम जगह पे देखने को मिलता है। पीछे का यूनिट देखेंगे, यहाँ पे ग्रैब हैंडल आने वाले है, इसको पकड़ के पिलियन बैठ सकते हैं। बैक रेस्ट लगवाना चाहते हो तो उसके लिए अलग से आपको चार्जेस पे करना होता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो इसके डिजाइन लैंग्वेज बहुत ही कूल दिखेगा। यहाँ पे होंडा की 3D ब्रांडिंग के साथ आएगा, बहुत ही कूल, और ये मैट कलर के साथ आएगा। इसको ड्यून ब्राउन कलर कंपनी नाम दिया है, मैट कलर के साथ पूरा ही आएगा। A20 अपडेट के साथ आने वाले। 15.2 लीटर की फ्यूल टैंक कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे अच्छा खासा फ्यूल आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे डिजाइन देखेंगे, जो इंजन आएगा 350cc सेगमेंट में मोटरसाइकिल आने वाला है एंड इसके अंदर आप देखेंगे ना डायमंड कट्स भी ऑफर किया जा रहा है। ये दिखने में मुझे बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। एयर कूल सिस्टम के साथ आएगा, कोई भी ऑयल कूल या फिर लिक्विड कूलिंग सिस्टम नहीं आता है, एक क्रूजर टाइप मोटरसाइकिल है तो आप वो चीज एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। गियरबॉक्स देखेंगे तो ये भी बहुत ही शानदार, पूरा ही ग्लॉस ब्लैक में, और यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग, थोड़ा सा क्रोम एलिमेंट यूज किया जाता है, दिखने में बहुत स्टनिंग दिखेगा। साइलेंसर पाइप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ही क्रोम यूज किया जाता है, पूरा ग्लॉस क्रोम, और दिखने में ना काफी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भी प्रोटेक्शन वगैरह यूज किया जाता है अच्छा खासा, दिखने में काफी बढ़िया है। यहाँ पे भी थोड़ा सा क्रोम मिलेगा और मैक्सिमम चीज आपको मेटल में ही ऑफर किया जा रहा है। हाँ, ये वाला जो यूनिट मिलेगा ये आपको प्लास्टिक मिलेगा एंड CB350 की ब्रांडिंग आपको कुछ यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। दिखने में गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्टनिंग दिखाई दे रहा है। अब और थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे ट्विन सस्पेंशन का यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग राइड आपके लिए होने वाला है। और पीछे की तरफ आपको जो टायर प्रोवाइड किया जा रहा है, ये 18 इंच की व्हील आएगा और ये नाइलो ग्रीफ जैपर की टायर ऑफर किया जा रहा है, जो काफी अच्छा कैपेबल होते हैं। एंड यहाँ पे जो डिस्क ऑफर किया जा रहा है, ये डिस्क भी आप देख सकते हो 240mm की विथ ABS कनेक्टिविटी, ड्यूल चैनल ABS गाड़ी के साथ आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। आपने हाईनेस देखा था, हाईनेस ही है, बस कुछ कुछ चेंजेस है जिसकी वजह से इसके अंदर से ना हाईनेस वाला नाम हट चुका है। अभी ये आपको CB350, ओनली CB350 नाम से बिकेगा। और गाड़ी का कलर आप बताइए, यहाँ पे ये कलर तो मुझे बहुत ही ज्यादा स्टनिंग दिखाई दे रहा है। इसके साथ आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से 3 कलर ऐसा होगा जो आपको कंप्लीट मैट फिनिशिंग के साथ आएगा, उनमें से एक कलर ये भी है, ये भी मैट कलर के साथ आएगा, और 2 कलर ग्लॉस में ऑफर किया जा रहा है। एक ग्लॉस कलर हमारे पास अभी अवेलेबल है, आप इधर आ जाइए आपको दिखा देते हैं। बाइक के साथ आपको बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया 5 कलर ऑप्शन आता है, तो मेरे पास और एक एडिशनल कलर है, ये कलर भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ना आपको ये कलर ऑफर किया जा रहा है, इसको कंपनी रेड कलर बोल रहे हैं और ये ग्लॉस फिनिशिंग के साथ आने वाला है। बाकी 2 कलर मैंने जैसे आपको बताया ग्लॉस में आएगा, एक ब्लैक आएगा और एक रेड कलर आएगा, इसको थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप दिखने में लग रहा है। ये कलर आपको ग्लॉस फिनिशिंग के साथ ऑफर किया जा रहा है, रेड कलर कंपनी इसको नाम दे रहा है, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा स्पार्कलिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है, दिखने में काफी प्रीमियम लगेगा। गाड़ी के साथ आपको 2 ग्लॉस कलर में आएगा, जैसे ये कलर आप ग्लॉस में देख रहे हो, इसके साथ साथ एक ब्लैक कलर आएगा, वो भी ग्लॉस फिनिशिंग के साथ आता है। एंड 3 कलर जैसे मैंने आपको बताया, 3 कलर आपको मैट फिनिशिंग के साथ आएगा। ये जो कलर है ये भी मैट के साथ आता है, इसके साथ साथ और 2 कलर आएगा, वो भी आपको पूरा ही मैट फिनिशिंग के साथ आता है।
इस बाइक के साथ जैसे कि आपने रेड कलर देखा है वो ग्लॉस में आ रहा है, उसके साथ साथ आपको एक ब्लैक कलर का ऑप्शन मिलता है वो भी ग्लॉस में ही ऑफर किया जाता है। बाकी तीन मैट कलर आता है, एक आपने ये कलर देख लिया ये ब्राउन कलर ये मैट में आएगा, इसके साथ साथ आपको और दो मैट कलर का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि इसके साथ आपको ग्रीन कलर का ऑप्शन मिलता है, जैसे आपने एनिवर्सरी एडिशन के अंदर ग्रीन देखा था वैसे ग्रीन मिलेगा वो भी मैट कलर में आएगा। एंड इसके साथ साथ आपको और एक कलर मिलता है जिसको उन लोगों ने ना मेटालिक ग्रे कलर नाम दिया है, वो भी मैट कलर के साथ आएगा। दिखने में तो गाड़ी बहुत ही स्टाइलिश है, गाड़ी का प्राइसिंग भी काफी रीजनेबल रखी गई है, और यहाँ पे इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है पूरा ही क्रूजर मोटरसाइकिल की तरह लुक है। एंड इसके अंदर कैसा फील होता है बैठने में वो भी दिखाऊंगा, पहले आप सामने की लुक देख लीजिए। यहाँ पे ना आपको जो टायर यूज किया जाता है ये भी जेपर्ड नाइलो ग्रिप का MRF का टायर मिलेगा, और यहाँ पे डिस्क जो आएगा ये पूरा 320mm की विथ ABS कनेक्टिविटी। एंड दिखने में भी गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया सस्पेंशन के ऊपर पूरा ही कवर आने वाला है, और जैसे आप नॉर्मल DLX वाला वेरिएंट चूज करेंगे, DLX एंड DLX Pro दो वेरिएंट आते हैं, नॉर्मल DLX चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला हिस्सा पूरा ही ब्लैक कलर के साथ आएगा, जैसे प्रो के अंदर जाएंगे तो ये बॉडी कलर आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्रोम एलिमेंट इसके अंदर भी देखने को मिलता है हॉर्न के ऊपर, और इसके साथ साथ अगर आप फ्रंट लुक देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल वाला DLX चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर एलिमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, जैसे प्रो की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट भी देखने को मिलता है। हेडलैम्प यूनिट देखेंगे पूरा सर्कुलर शेप में पूरा ही LED आएगा, एक बार ऑन करें तो आप देख लीजिए यहाँ पे पूरा ही आपको लो बीम हाई बीम दोनों ही यहाँ से कंट्रोल होने वाला है। DRL देखेंगे ना, इसके जो DRL है इसके साथ साथ और एक चीज नया आया है गाड़ी के साथ, यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर आपको दिख रहा है ना दोनों तरफ, ये DRL की तरह काम करने वाला है बेसिकली। एंड जैसे आप टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने इसको टर्न इंडिकेटर में बदल दिया, तो ये DRL था पहले, अब ये टर्न इंडिकेटर का काम करेगा। जैसे मैं इसको हैजार्ड में कन्वर्ट करूंगा ना तो हैजार्ड में देने के बाद भी ये हैजार्ड में ऑन एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप नॉर्मल रखेंगे तो ये दोनों जो आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आते ये भी एक DRL की तरह ही काम करने वाला है। अभी जो जापानीज बाइक आएगा इस बाइक के साथ ये चीज कंपनी स्टैंडर्ड करने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे ये चीज स्टैंडर्ड होने वाला है, दोनों तरफ यहाँ पे आपको ये टर्न इंडिकेटर एक DRL की तरह काम करने वाला है, बाकी और कोई भी चेंजेस वगैरह ऐसा नहीं मिलेगा। MID जो प्रोवाइड किया जा रहा है पूरा ही सर्कुलर शेप में आएगा। एंड यहाँ पे देखेंगे स्पीडोमीटर आपको पूरा ही एनालॉग स्टाइल में आएगा, छोटा सा डिस्प्ले आता है यहाँ पे चिंटू मिंटू साइज में, यहाँ पे आप देख लीजिए इसके अंदर गियर पोजिशन इंडिकेटर वगैरह न्यूट्रल की इंडिकेशन एंड बाकी छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे इल्यूमिनेटेड चीजें देख सकते हो जैसे कि ABS न्यूट्रल इंडिकेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है जिसलिए आपको ये चीज दिख रहा है। एंड बाकी ओवरऑल कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है, जो चेंजेस था मैंने आपको बता दिया, छोटा मोटा ही चेंजेस है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी जो अपडेट आपको इस गाड़ी के साथ देखने को मिलता है ये कलर ही सबसे ज्यादा मेन अट्रैक्शन है। आप बताइए कलर आपको कैसा लग रहा है, हमारे पास ये तो ब्राउन कलर था मैट कलर के साथ, लेकिन इसके साथ साथ और भी कलर ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सिटिंग पोस्चर की बात कर लेते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे बैठूं तो आप देख लीजिए गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है, ऐसा कोई दिक्कत वगैरह मुझे फील नहीं हो रहा है। और इसके साथ आपको और एक खास चीज आपको मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे बैठेंगे ना जो प्रैक्टिकल चीज है आपको यहाँ पे पैडिंग ऑफर किया जा रहा है टैंक के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं अगर आप लॉन्ग राइड करते हो ना तो ये चीज बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। ऐसा कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, मेरा हाइट 5'11" है तो मेरे हिसाब से देख लीजिए दोनों तरफ पैर आराम से आ रहा है, मुझे कोई भी दिक्कत वगैरह फील नहीं हो रहा है। अगर आपकी हाइट 5'5" के आसपास भी है तो भी आप इस बाइक को इजीली मैनूवर कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत आपको फील नहीं होगा। गाड़ी की हैंडलिंग देखेंगे तो हैंडल बार थोड़ा सा पीछे की तरफ है, दैट मीन्स मेरे तरफ लिन है, जिसकी वजह से ना एक क्रूजर मोटरसाइकिल का स्टैंड प्रॉपरली मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ फुट पेक्स देखेंगे तो फुट पेक्स आप एकदम सेंटर में मिलता है, ना ज्यादा पीछे है ना ज्यादा आगे है, तो एकदम आपको एक प्रॉपर रिलैक्सिंग राइड आपके लिए बनने वाला है, कोई भी दिक्कत वगैरह ऐसा आपको फील नहीं होगा। अगर हम इस गाड़ी के गियर बॉक्स की भी बात करें तो यहाँ पे आपको 5-speed गियर बॉक्स ऑफर किया जा रहा है। जी हाँ, 6-speed नहीं आता है क्योंकि क्रूजर टाइप मोटरसाइकिल है इसलिए 6-speed नहीं आता है। इस बाइक के साथ ना आपको टॉर्क ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू पावर। ये जो इंजन आता है 350cc तो है, लेकिन यहाँ पे आपको पावर जो प्रोड्यूस करेगा 20.7 BHP का पावर प्रोड्यूस करेगा। जी हाँ, 20.7 BHP का पावर एंड साथ ही साथ 29.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है, दैट मींस टॉर्क ज्यादा, गाड़ी लॉन्ग राइड करने के लिए काफी कंफर्टेबल एंड क्रूज करने के लिए पूरा आप इस बाइक के साथ आराम से क्रूज कर सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम आपको फील नहीं होने वाला है। और हाँ, और एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि इस बाइक का जो सीट हाइट ऑफर किया जा रहा है ये आपको 800mm के ऑफर किया जा रहा है, दैट मींस मैंने जैसे आपको दिखा दिया इस बाइक के साथ अगर 5'5" के आसपास आपकी हाइट है तो भी आप इसको इजिली मैनूवर कर सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम आपको फील नहीं होने वाला है। गाड़ी बहुत ही ज्यादा लेंदी है, मतलब पीछे जो सीट के अंदर जो स्पेस छोड़ी जाती है पिलियन के लिए काफी अच्छा खासा कंफर्टेबल है, अगर लॉन्ग राइड करते हो तो भी काफी अच्छा खासा आपको मिलेगा, कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं है। पूरा एक CB350 हाईनेस के ऊपर बेस्ड है, बस हाईनेस नाम हट चुका है क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ
कॉस्मेटिक चेंजेस आपको बाइक के साथ देखने को मिलते हैं। अगर हम इस बाइक का एक शोरूम प्राइस की बात करें तो आज की तारीख पे आपको ये बाइक एक शोरूम 2 लाख रुपीज के अंदर पड़ने वाला है। अगर आप नॉर्मल डीलेक्स लेते हो, डीलेक्स प्रो के साथ जाएंगे तो आपको 70,000 और पे करना होता है, क्योंकि वहां पे कुछ कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आपको एडिशनल देखने को मिलते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा, वो इसके बाद आने वाले, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन गाड़ी देख लीजिए, गाड़ी काफी अच्छा खासा है, गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, काफी कंफर्टेबल भी आपकी राइड होने वाले। अगर आप कलकत्ता में रहते हो तो आप यहाँ पे डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जहां से हम इस बाइक का भी शूट कर रहे हैं। ये लोकेटेड है चिनार पार्क पे। इसकी प्रॉपर गूगल मैप लिंक एड्रेस वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होंडा बिगविंग्स के अंदर अभी हम है, बिगविंग्स का ये शोरूम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स गूगल मैप लिंक जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो में यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इस गाड़ी का रिव्यू पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।